यार क्या आवाज आ रही है? आप भी देखिए वैसी वक्त कट रहा है। गर्मियां शुरू हो गई बेटे, बढ़िया मौसम हो रहा है। गर्मी तो यार हर जगह सेम सी रहती होगी ना, पर यहाँ पर ना चिपचिप वाली गर्मी ज्यादा होती है। आइलैंड है शायद, इस वजह से समुद्र है आसपास, तो पसीने बहुत आते हैं। मेरे पास में इतना बड़ा पार्क सा है, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, इसलिए मुझे फ्रेश फ्रेश लग रहा है। वो फ्रेशनेस तो यार साफ सुथरी सोसाइटी हो कहीं पर भी वो तो रहेगी रहेगी शायद। गर्मी क्या हिसाब की पड़ रही है वहाँ? मेरे पास यहाँ पर यार जिम तो है नहीं आसपास, मतलब मेरी रेंज में नहीं है। मैं साइकिल भी ले लूँगा ना तब भी 40-45 मिनट लग जाएंगे जाने के। शहर की साइड है तो ऐसे ही अपना टाइम पास करना पड़ता है थोड़ा बहुत। इतना ही हो लेता ऑफिस का टाइम, भागो फिर वापस घर। अब तक नहीं मिला है तोता कौवा जो भी। बर्तन तो बाद में देखे जाएंगे, फटाफट से खाना बना के भागो यार। फ्राइड राइस सबसे जल्दी बन जाते हैं फटाफट। मस्त बढ़िया बढ़िया दिन हो रहा, टाइम सही वक्त पे निकल गया अपना काम पे। आज लट्ठे गाड़ दूंगा बेटे, बहुत कैड़े आज तो ऑफिस में कमाल हो गया भाई कसम। बिना बात की जूता ही बात जाता है यार, बस घटा वटा होगी पूरे काले बादल। बारिश शुरू हो जाए इससे पहले भाग लो घर जल्दी, फिर बताता हूँ सारी बात। अब तो खेती का मौसम आ गया बड़ा टॉप का, गर्मी वाला दबा दब खेती चल रही है। हाँ खाना वाना खा के रिलैक्स है एकदम, अब बताता हूँ। हाँ तो जो भी लोग जापान में रह रहे हैं या फिर जापान में आना चाहते हैं ना, जॉब करना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनको तो देखो हेल्प मिल जाएगी मेरे एक इंसिडेंट से बहुत ज्यादा। और जिन्हें जापान से कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर वो ऐसी स्वाद के लिए देख लो। तो जैसे जापानीज ऑफिस होते हैं ना, उनमें सबसे पहले क्या होता है सुबह सुबह उसे बोलते हैं आशा चौरे, मॉर्निंग असेंबली जो रहती है वो होती है, वो सारे जापानीज ऑफिसों में होती होती है सबसे पहले जब स्टार्ट होता है ऑफिस। तो सुबह जाते हैं तो उसमें डिस्कस होता है कि आज कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या होगा, किसी को कुछ अपनी बात बतानी है, ये बताने कि मैं उस दिन फलां दिन छुट्टी लूंगा, या जो भी ऑफिस से रिलेटेड काम है वो सुबह उसमें बता दिया जाता है। और उससे पहले क्या होता है सब ना ऑफिस के मंत्र से पढ़ते हैं, वो होते हैं 16-17 है। अब तक की मेरी 3 जापानीज कंपनी थी ना जिनमें सब में सुबह सुबह ऐसे यही होता था, वो ऐसे फौजियों की तरह एकदम अटेंशन बोलना पड़ता है कि मैं अपना सारा टैलेंट अपनी सारी काबिलियत अपनी कंपनी के लिए लगाऊंगा, और सब एकदम जोर से बोलते हैं एकदम फौजी स्टाइल में, कभी बताऊंगा तसल्ली से। पर वो काम कभी भी खुद चल के नहीं आता, काम तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तुम कभी खाली हो, जब कभी खाली हो तो और काम ढूंढो, अपने साथ वालों के काम में मदद करो, और जो तुम्हारी कंपनी का राइवल है वो तुम्हारा भी राइवल है, उस राइवल से हमेशा कम्पीट करो, उससे जीतो। तुम आज जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसी के बेस पे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा, तुम्हारी सैलरी डिसाइड होगी, उसी के बेस पे तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, अपना एक भी टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे करके पूरा वो मंत्र से रहते हैं 16-17 वो पढ़ने पड़ते हैं। जब ये सारी चीजें निमट जाती है ना, तो ऑफिस में जैसे कोरोना वोरोना चल रहा है, तो ऐसे हम ना बारी बारी से हर कोई टिश्यू विशू पेपर लेके स्प्रे जो अल्कोहल स्प्रे होता है उससे साफ सफाई कर देता है अपने आसपास की, थोड़े और ज्यादा एरिया की। तो जो भी करता है वो कागज से लिस्ट लगा रखी है, वो अपना नाम लिख देता है कि आज मैंने करी, और उसके अगली बार जब कोई और देखता है तो चल ठीक है मैंने कई दिन से नहीं करी मैं कर देता हूँ, हर कोई अपने आराम से कर देता है, कोई दिक्कत नहीं लेता। पर आज क्या हुआ, ये सारे मंत्र पंत्र से निमटे अपना सीट पर बैठने लगा, तो मैं देख रहा था कागज पे किसका नाम लिखा है किसका नहीं लिखा, बल्कि हाँ मैंने तो अभी रिसेंटली करी थी कोई और कर देगा। फिर उसके बाद मैं बैठ गया, फिर एकदम से मेरे पास आया मेरा सीनियर, कौन करेगा आज का सैनिटाइजेशन। अब एकदम से ऐसे कोई बेमतलब की चिल्ला रहा, तो एकदम से हो जाता ना कि अरे मन की क्या हो गया, क्या तेरा नाम नहीं है तो तूने वो लिस्ट छोड़ दी।
तो मैंने कहा अरे मतलब क्या हुआ क्या है, कह रहा किसका नाम है, दूसरे का फलाने का नाम लेवा, किसी का नाम तो ले नहीं सकता नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कह रहा उसका नाम है उसको बोलेगा कौन, तेरा नाम नहीं है इसमें तो उसका मतलब तेरा काम खत्म, जो भी काम शुरू होता है हमेशा उसको खत्म करना पड़ता है। और वो बहुत चिल्ला के बोल रहा था और बड़े गुस्से में बोल रहा था, ऐसी गुस्से होने वाली बात है तो है नहीं, क्योंकि पहले से कभी कभी तो ऐसा होता कोई भी नहीं करता कुछ, इतना ध्यान देता नहीं है इस चीज में, हर कोई अपने मन से आराम से कर देता है, स्मूथ चल रहा था सिस्टम। तो बोल उसको जाके, तो मैंने कहा अरे सर जी इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, कह रहा मैंने बोल दिया ना एक बार जाके बोल उसको आके, तेरे को काम नहीं आता तेरे ठीक से कर रहा है, ऐसे बोलने लग गया। और बड़ी गंदी सी जैसे ना तो तूतड़ा से भी नीचे एकदम गाली गलौज करते, जैसे हर भाषा में होते हैं ना, तमीज से बात करना, काम में कंपनियों में बात करना तमीज से बात कर रहे हैं, किसी को एकदम धुतकार के बात करें तो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, वो वैसे बात करने लग गया मेरे से, जैपनीज तो आती है, मेरा दिमाग बनना गया। मैंने कहा इस तरीके से बात मत करो सर जी, कह रहा तेरे से काम नहीं होता, ऊपर से जवान लड़ा जा रहा, बोल कौन बोलेगा उसको, तेरे से एक काम नहीं होता, कोई काम नहीं करता यहाँ पर सीख के, सारी जिम्मेवारी मेरी, ऐसे चिल्ला के बहुत गंदे तरीके से बात करने लग गया वो, कह रहा काम नहीं करेगा तो भग जाए यहाँ से। और जबकि वो जो सीनियर है ना उससे मेरा काम वाम ऐसा कुछ पड़ता नहीं है, मेरा अलग सिस्टम है उसका अलग सिस्टम है। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा तो खुद ही जाके बोल दो ना उसको फिर, तो करो मेरे से इतना जवान लड़ा रहा तू, तो मैंने कहा सर जी आप इस तरीके से बात मत करिए, ठीक तरीका नहीं है कंपनी में बात करने का, मुझे सिखाएगा तो किससे बात कर रही हो, कैसे कर बात कर रही है। मैंने कहा सर जी अपने बात करने का तरीका एक बार सुधार लो, ऐसे बात कर रही ठीक नहीं है, मैंने फिर दोबारा ऐसे ही बोला, कर तू लड़ना चाहता है मेरे से, जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मैंने कहा यार हद हो रही है, मेरा दिमाग भी एकदम से भन्ना सा गया, मैंने भी एक बार बोल दी आजा भाप चल लड़ ले फिर, बता दे कौन है तू। अरे एकदम से ऐसा लगा सुबह सुबह इसमें कौन सी माता आ गई यार, मतलब की ऐसा होता है तो शनिवार भी नहीं है जो शनिचर मेरी छाती पे बैठ जाएगा, तुझे बैठने दूंगा मैं अपनी छाती पे अपने काम कर। फिर उसके बाद मेरा एक दूसरा सीनियर पीछे से आया एकदम से मेरे को कमर पे हाथ पकड़ के, तू मेरे साथ बाहर चल पहले। तो मैं सीमा बाहर के दरवाजे मेरे को लेके गया, कह रहा जा 10 मिनट वॉक करके आ, उसके बाद वापस आइयो, पानी कॉफी वॉफी जूस जो भी पीना पी के 10 मिनट बाद आइयो। फिर जैसे वापस आया अंदर आने लग गया तो फिर क्या रुक जाओ मिनट, फिर मेरे साथ वापस वही जो मेरा दूसरा सीनियर जो मेरे को बाहर ले गया था वो मेरे साथ वापस वॉक करने चला गया, चल थोड़ी वॉक करते हैं। तो मुझे पता था बात ही करेगा इस बारे में, जैसे फिर हम वॉक वॉक सी करने लगे थोड़ी सी बात, तो मैंने कहा सर जी इसमें मेरी गलती क्या बताओ, कह रहा नहीं तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने कहा सर वो इस तरीके से बात कर रहे थे तो एकदम इंस्टेंट रिएक्शन जो था मेरा वो निकल गया, मेरे ऐसी कुछ मन में उनके लिए कोई मैन मुटाव है नहीं, मुझे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है किसी से कोई भी, कह रहा मुझे पता है अच्छी बात है उसने एकदम से गलत तरीके से बोल दी थी और जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो हो गया, कह रहा पर हमें काम तो साथ में ही करना है ना, तो अब या तो दो काम हो सकते हैं, या तो तुम्हारी कुर्सी अलग करवा दे या फिर साथ बैठ के तुम आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर लो। मैंने उसे बोला कि सर अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी कुछ बोला ना तो अगर मैंने गलत बोला है तो मैं अभी जाके माफी मांग लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। कह रहा नहीं तूने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऐसा बोलना चाहिए था क्योंकि उसके बात करने का तरीका ठीक नहीं था, हम जब बैठे थे हम खुद एकदम शॉक में हो गए थे, इसको कौन से दौरे चढ़ गए एकदम से। तो कह रहा पर जैसे जापान में क्या होता है ये कल्चर बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसकी ना आदत पड़ी हुई है कंपनी वाली कल्चर में ना कॉर्पोरेट में, जैसे जब कोई सीनियर चिल्लाता है ना हर कोई ऐसे सुनता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये आपकी भी गलती हो सकती है। कह रहा रिसेंटली जनरेशन ऐसे करने लगी है पर पहले जमाने से ऐसा चलता आ रहा है, वो कह रहा था इसको खुद कोई अपना पर्सनल स्ट्रेस है जो ऐसे किसी अपने जूनियर पर निकाल देते तो कोई कुछ बोलता नहीं, सर एकदम टच हो चुका कि सॉरी सॉरी सर सॉरी सर, यहाँ पर ऐसे करते हैं मोस्टली लोग, पर तूने ये नहीं करा इससे उसको अकल आ गई कि ऐसा सबके साथ नहीं करना चाहिए। तो बैठा देख रहा, कह रहा अरे पवन यहाँ, तो मैंने कहा अरे सर जी यार अगर मेरी बात का बुरा लगाओ तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ पर आपके बात करने का तरीका देखो ठीक तो था नहीं। कह रहा अरे यार गर्मी पड़ रही है दिमाग भन आ गया था मेरा, मेरे से भी गलती हो गई। तो मैंने ऐसे बोला कि सर जी हाथ मिलाओ आप टेंशन मत लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है अपना सही यहीं बैठेंगे, वो मेरे पास में ही बैठता है तो कह रहा ना सीट वीट बदलने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो पीछे से दूसरा आया कह रहा अरे गर्मी हो रही है ना तो एसी चलाते हैं इसमें तुम लड़ने लग रहे हो। फिर बाद में वो ना एकदम से नॉर्मल हो गया, सबसे ज्यादा खूब एकदम हंस के बात कर रहा है, एकदम फ्रेंडली सा हो गया और मेरे साथ भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली सा होने लग गया। तो मुझे अजीब सा लगा कि पहले जैसा नॉर्मल था वैसे ही रहा, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फ्रेंडली मत हो, बेमतलब की मन में बोल रहा था मैं। फिर उसके बाद जब शाम हो गई ना वो बादल वादल से हो रहे थे तो मैं बाहर देख रहा था, कह रहा बादल पड़ रहे हैं बारिश हो सकती है छतरी लाया तू, मैंने कहा इतनी चिंता तो पहले कभी नहीं हुई मेरी, मैंने कहा नहीं छतरी तो नहीं लाया सर पर ऐसे लग रहा बारिश पड़ेगी नहीं, कह रहा बारिश पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने कहा ना गूगल में देख ले मैंने बारिश नहीं पड़ने वाली है। मैंने प्रॉपर ये कॉर्पोरेट कल्चर और जैपनीज बिजनेस मैनर्स की ही ट्रेनिंग करी थी अपने स्कूल में स्पेशली 9 महीने, जो मेरा टीचर था ना उसमें उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो उसने मुझे पहले बताया था कि यहाँ पर जो जैपनीज जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना इसमें जो सीनियर होता है जो और सीनियर होता है वो अपने आप को ऐसे भगवान सा ही समझने लग जाता है, सब नहीं होते होंगे ऐसे पर बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनके आगे जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है वो होके ही रहेगी, पर अगर कहीं कोई ऐसा बोल देता है कि नहीं सर जी आप गलत भी हो सकते हो इस चीज़ को ऐसे भी करके देख लो तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कौन गलत ठहरा सकता है, बाहुबली को गलत ठहरा दिया तुमने इसको आउट करो, फिर ऐसे डायरेक्ट तो उसे लड़ नहीं सकते
डायरेक्ट मुंह पे बोल नहीं सकते क्योंकि फिर सबके सामने वो गलत हो जाएगा कि तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, ऐसे गलत तरीके से क्यों बात कर रहा है। तो उसके पीछे फिर पॉलिटिक्स करते हैं उसकी इमेज खराब करने में, जो सारा का सारा अपना टाइम, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी चालाकी उस एक इंसान की इमेज गिराने में लगा देते हैं। ऐसा होता है, मेरी पुरानी कंपनी में मैंने खुद के आंखों के आगे ऐसा होता हुआ देखा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के सामने आ जाती है ना, तो भैया यही रूल होता है, सब बस उसको ये बोलो कि सर जी आप पहले ऐसा हो जाता था जब मेरी जापानी वीक थी तो ज्यादा वर्ड नहीं पता थे, ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं पता थी, तब मेरे मुंह से निकल जाती थी ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें गुस्से में, तब फिर ऐसे बोलना पड़ता था, अरे मेरे मुंह तैली कड़की, मैंने कुछ नहीं करा। हमेशा यही बोलना होता है कि सर जी यह जो आप बात बोल रहे हो इसका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है। सर जी आप जो ये बात बोल रहे हो ये बोलने का तरीका ठीक नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। इसी बात पे स्टिक रहोगे ना तो सारा का सारा ऑफिस आपका साथ देगा जैसे मेरा दिया। एनीवेज मेरी तो प्रॉब्लम होगी सॉल्व, मामला हो गया सेट। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, उनको तो सच में हमेशा कलेजे से ही थैंक यू है। और ये नहीं कर रखा है ना भाई, आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है, गर्मी पड़ रही है बहुत, पानी वानी पियो, अपना मौज लो। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।